सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रोग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डीएलएफ इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो दो कारों की आमने सामने की टक्कर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस दर्दनाक हादसे में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो स्विफ्ट डिजायर और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसके चलते ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के इलाके की ये तस्वीरें, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो बोलेरो चालक अंडरपास में रोंग साइड में घुसा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। बोलेरो सवार भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं गोल्फ कोर्स रोड पर अंडरपास में रोंग साइड चलने से यह हादसा हुआ। तो सुबह करीब 6 बजे यह हादसा हुआ था और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटे हुए है। तो ये जबरदस्त हादसे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही जो गाड़ियां हैं उनकी किस तरह से परखच्चे उड़े हैं, किस तरह से वो इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुई हैं। और आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत, वहीं एक वक्त गंभीर रूप से घायल है, जिसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि स्विफ्ट डिजायर में बैठे दो लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। तो वहीं बोलेरो चालक अंडरपास में रोंग साइड से घुसा था, कहीं ना कहीं बोलेरो चालक की जो लापरवाही है उसके चलते ये हादसा हुआ। संवाददाता मनु मेहता का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। मनु, जीएलएफ इलाके में भीषण सड़क हादसा, जहां पर लापरवाही भारी पड़ गई दो युवकों पर। बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है ये गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके की है, जो एक काफी लंबा अंडरपास कहा जा सकता है, डीएलएफ द्वारा ये बनाया गया है। और इस अंडरपास में दोनों ही साइड आने जाने के रास्ते हैं, लेकिन आज सुबह एक बोलेरो चालक रॉन्ग साइड यानी कि आने वाली अंडरपास के अंदर बहुत स्पीड से गाड़ी लेके चला गया, जिससे सामने आती हुई उसी अंडरपास के अंदर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ बिल्कुल आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जो कि स्विफ्ट डिजायर कार में सवार थे, जिसमें एक गाड़ी का चालक था और दूसरा भी उसी के साथ ही था। उन दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। ये जो भिड़ंत थी वो इतनी जबरदस्त थी कि उस समय जो बोलेरो गाड़ी है उसमें जो लोग बैठे हुए थे उसमें जो ड्राइवर है उसे भी हल्की चोटें आई हैं। वहीं उसमें जो एक महिला सवार थी वो बताया जा रहा है कि जेट एयरवेज की महिला पायलट है, जो उनको लेकर वो जा रहा था और वो भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक लापरवाही के चलते आज दो जिंदगियों को हाथ से जान से हाथ धोने पड़ा है और एक जिंदगी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, जो कि महिला पायलट है। तो ये काफी बड़ा हादसा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों गाड़ियों को वहां से हटाकर इनका जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ड्राइवर के जो मृतक हैं उनकी पहचान एक की हो चुकी है और परिजनों को सूचना दे दी गई है, दूसरे की पहचान का प्रयास किया जा रहा है और पूरे मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में बोलेरो चालक जो ड्राइवर, उसकी कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर मानी जा रही है। मनु, इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? और वही अगर घायलों की बात करें, फिलहाल उनकी स्थिति में कोई सुधार होता हुआ दिख रहा है? देखिये, जो घायल महिला पायलट है वो जो घायल है उनका ट्रीटमेंट निजी अस्पताल में चल रहा है। वही जो ड्राइवर हैं उनके बोलेरो चालक हैं उनके बारे में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस प्राथमिकता के आधार पर अभी जो मृतक हैं उनके शवों के पंचनामे आदि की तैयारी कर रही है। वहीं गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक से बात करके फिर इस बारे में भी तहकीकात की जाएगी कि आखिर बोलेरो चालक कौन था, क्या उसका मकसद था, किस तरह से, क्या वो भूलवश रॉन्ग साइड में जाके घुसा था या वो अपनी मर्जी से गया था। इस बारे में बोलेरो चालक के हाथ में पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद ही कई इस पूरे मामले का होगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं इसे लापरवाही भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि जानबूझकर की गई एक गलती की वजह से दो लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनु जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भीषण हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही किस तरह से दो युवकों की जान पर भारी पड़ी है वो आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं।